नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स फॉर नीट के इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम लोग द लिविंग वर्ल्ड का काम कर रहे थे और लेक्चर 3 तक ऑलरेडी काम किया जा चुका है, जिसमें हम लोग टेक्सोनॉमिकल हायरार्की तक का काम कर चुके थे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि एनसीईआरटी में टेबल 1.1 ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में एक टेबल बना करके दिया हुआ है, जिसमें आपको चार स्पीसीज की टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के आधार पर उनके जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, इन सब के बारे में वहां पर सबका नाम दिया हुआ है। और नीट में आपको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। तो कई बार हो जाता है कि हमें उस टेबल को याद करना होता है ना, तो डायरेक्ट अगर आप याद करोगे तो फिर क्या होगा, कुछ दिन के लिए याद रहेगा, फिर हो सकता है आप भूल जाओ या फिर कुछ इधर का उधर मिक्सिंग होना शुरू हो जाए। तो जरूरत होती है यहाँ पर एक ट्रिक की, कोई ट्रिक टेक्निक हो जिससे हम उसको, अगर कुछ गलती भी हो रही है तो पकड़ ले उस ट्रिक से और उसको सुधार कर ले, सही कर ले, फिर आप सही आंसर कर सकते हो। तो आइए पहले हम एक बार टेबल को बना करके नजर रखते हैं, टेबल पर क्या है कैसे है। तो सबसे पहले आपको टेबल में दिखेगा कॉमन नेम, ठीक है, और इसके लिए चार स्पीसीज उठाए गए। सबसे पहला तो आपका ह्यूमन ही है, तो आप मैन लिखो, ह्यूमन लिखो, एक ही बात है, एनसीईआरटी मैन लिखा हुआ, हम भी मैन लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया हाउस फ्लाई, जो घरेलू मक्खी होती है उसके बारे में है। फिर आपका हो गया मैंगो, आम, और फिर आपका हो गया लास्ट में व्हीट, गेहूं। तो ये चार स्पीसीज, चारों डिफरेंट स्पीसीज के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। मैन सबसे पहले ऊपर, तो जाहिर सी बात है हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग बनाए तो हम लोग अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्लियर है। और याद रखिएगा सबसे लास्ट में खाएंगे हम लोग गेहूं, मतलब रोटी, एक तरह से रोटी का सेंस ले लो, तो गेहूं तो नहीं खाते ना आप, गेहूं का रोटी खाते हैं, तो सबसे लास्ट में हम लोग खाएंगे रोटी, लेकिन उससे पहले क्या होगा, उससे पहले खाएंगे मैंगो, ओके। और मैंगो पे कौन बैठा हुआ रहता है, मैंगो पर घरेलू मक्खी बैठी हुई रहती है। आम का सीजन देखो, याद करो आप, जब आप आम खाते हो तो आम के ऊपर क्या होता है, आम यहाँ वहां कहीं फेंक दो उसके ऊपर मक्खी आके बैठ जाएगी, तो मैंगो के ऊपर आके बैठ गई मक्खी, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी आपको थोड़ा सा याद रखना होगा फिलहाल, टेबल को समझने के लिए, याद रखने के लिए, ट्रिक टेक्निक को प्रॉपर वर्क करने के लिए, ओके। तो ये ऑर्डर आपका इस तरह से, यही चार है, और जब भी पूछता है नीट में, एग्जाम में, तो आपको इन्हीं, इसी टेबल से उठा के कुछ ना कुछ पूछ लेता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन नेम के बाद आपका यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम कह लो या फिर साइंटिफिक नेम कह लो, दोनों एक ही बात होगी, ओके। तो देखो मेन का साइंटिफिक नेम आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, होमो सेपियंस, ठीक है क्या, होमो सेपियंस, ठीक है, ये हो जाता है, ओके। हाउस फ्लाई का, अच्छा और क्या, मैंगो का आप बचपन से सुन रहे होंगे, मेंजीफेरा इंडिका। यहां पर एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि जो हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़े हैं पिछले लेक्चर नंबर 3 में, उसमें आप देखिए पहला जो आपका ये आता है वर्ड, वो क्या बताता है, वो जीनस को बताता है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। दूसरा क्या होता है, वो स्पीसीज को बताता है जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, इसको कैपिटल नहीं समझेंगे आप लोग, ये स्मॉल ही रहेगा, ओके। चलो फिर यहाँ पे ये उसी तरह से मेंजीफेरा, ये जीनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा, राइट, इंडिका, आम का स्पीसीज इंडिका। हाउस फ्लाई के लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तो याद करने के लिए भी बड़ा सिंपल है, घर, घरेलू मक्खी की बात है, घर में घूमती है, डोमेस्टिक जैसा वर्ड आएगा, ठीक है, तो आपको इसका जो नाम पड़ेगा वो हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका, MUSCA और फिर डोमेस्टिका, है ना, इस तरह से आपका घरेलू मक्खी का सेंस आ जाएगा, डोमेस्टिका मतलब घरेलू, ओके। एंड लास्ट में, तो ये आपको किसी भी तरह से याद रखना होगा, ट्रैटिकम एस्टिवम इसका होता है, तो ट्रैटिकम एस्टिवम, ठीक है, ASTIVUM, ट्रेटिकम एस्टिवम, ठीक है। तो आप मान के चलो कि ये दो तो आप पहले से जानते हो, मैन और मैंगो, ये दो थोड़ा सा, ये तो जल्दी याद हो जाएगा आपको, मस्का डोमेस्टिका कर देंगे, और बीच में आपका आ गया ट्रेटिकम एस्टिवम, ट्रेटिकम एस्टिवम, दो चार बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो ये आप मान के चलिए कि ये आपने याद कर लिया, अभी याद कर लो आप, देखो टेबल, हो सकता है आपको, अगर आप ढंग से चलो तो आपको अभी कभी ये टेबल याद हो जाए, ठीक है, ठीक से देखो।
ट्रैटिकम एस्टिवम, ट्रैटिकम एस्टिवम। वीडियो को चाहो तो पॉज कर लो और इसको 10 बार पढ़ लो। ओके चलो आगे बढ़े। आई होप कि आपको ये याद रह गया रीट का, ट्रैटिकम एस्टिवम। अगला जो आएगा आपका वो जीनस आ जाता है यहाँ पे, है ना। तो जीनस में तो बहुत सिंपल है, अगर आपने साइंटिफिक नाम याद कर रखा तो ये वाला उठ करके सीधा सीधा यहाँ पे रख देना है, होमो मस्का मेंजीफेरा और ट्रेटिकम। ठीक है, ट्रेटिकम ये सब क्या हो गए, जीनस हो गए। ये क्लियर है। मैन का जीनस होमो, हाउस फ्लाई का जीनस मस्का, मैंगो का जीनस मेंजीफेरा, व्हीट का जीनस ट्रेटिकम। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़े। अब आगे कौन आ गया जीनस के बाद, अगर भूल जाते हैं तो कैपको ट्रेगस याद रखेंगे। ठीक है, तो हम जीनस की तरफ से बढ़ रहे हैं आगे, इधर आ जाएंगे। तो जीनस के बाद फैमिली, फैमिली आ गई, फिर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, फिर क्या आएगा, क्लास आएगी, फिर क्या आएगा, देख सकते हो फाइलम। तो एनसीईआरटी में फाइलम कह लो या डिवीजन कह लो, तो एनसीईआरटी में यही तक दिया हुआ है। बाकी किंगडम, किंगडम ऑब्वियस है इसलिए भी नहीं देता है। मैन और हाउस फ्लाई एनिमेलिया किंगडम में चले जाएंगे, मैंगो और व्हीट आपको प्लांटे किंगडम में। ठीक है, फाइलम भी आपको आसानी है। अच्छा, फाइलम के लिए भी आपको बताया था कि एनिमल्स हैं, एनिमेलिया है तो फाइलम यूज करना है, और अगर प्लांट किंगडम के हैं तो फिर डिवीजन यूज करना है। चलो तो पहले मैं इसी को लिख देता हूँ। फिर देखो फाइलम लिखने की बात आ रही है मैन, तो वर्टेब्रल कॉर्ड है सब में, तो यहां पर नाम आ जाएगा कॉर्डेटा। ठीक है, मैन के लिए कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई मक्खी में तो नहीं होगी ना, रीढ़ की हड्डी मक्खी में तो नहीं होती, तो इसका तो कुछ और होगा। तो आपको तो ये बताया गया है कि जो मक्खी वगैरह होती है इनकी संख्या सबसे ज्यादा, इनके स्पीसीज की संख्या सबसे ज्यादा है। आपको याद होगा हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया 1.7 से 1.8 मिलियन, मतलब और 1 मिलियन में 10 लाख, तो कहने का मतलब हुआ 17 से 18 लाख इतनी स्पीसीज की स्टडीज अभी तक हुई है, जिसमें से 70% आपको एनिमिलिया किंगडम में आते हैं, और उस 70% का 70% जो आता है वो अकेले आपका ये ऑर्थोपोडा, ये जो मक्खी मच्छर ये सब जो है यही उसमें आपको मिल जाते हैं। तो इसका नाम आपको पिछली बार में बताया गया था इसके बारे में पिछले लेक्चर में, तो अच्छे से उन सबको देखिए, देखा करें, याद रखें। तो हम लोग यहाँ पे आ गया ऑर्थ्रोपोडा। क्लियर अभी यहां तक? ठीक है, अब ये दोनों जो आ गए मैंगो और व्हीट, ठीक है, तो इसका भी आपको एक थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये सब आप आगे जाके जब प्लांट किंगडम में पढ़ोगे तो बहुत छोटी छोटी बातें तुरंत याद हो जाएगी। तो एंजियोस्पर्मी होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है, बस एक को याद रखेंगे दूसरा फ्री। तो एंजियोस्पर्मी, ठीक है, दोनों। तो चलो मैं फिर से लिख देता हूं एंजियोस्पर्मी। ठीक है, तो ये दोनों एंजियोस्पर्मी में आते हैं। तो जो नाम आपने आसानी से यहाँ पे लिख दिया बिना किसी ज्यादा मेहनत के, जाहिर सी बात है एग्जाम नीट वाले पूछेंगे आपसे ऐसा, पूछेंगे हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नाम बताइए। चलो बहुत आसान पूछे क्वेश्चन तो कभी पूछ भी सकते हैं, बट आप ये मान के चलो कि वो इतना आसान तो आपसे नहीं पूछेंगे, तो सभी सही करके आ जाएंगे, है ना। चलो ये हो सकता है पूछ ले ट्रैटिकम एस्टिवम, है ना, ये थोड़ा सा नया होता है बच्चों के लिए तो ये पूछ ले। लेकिन फिर भी ये मान के चलिए आप कि जो अगर उसको पूछना ही होगा तो ये जो आप जो खाली जगह आप देख रहे हो ना इनमें से पूछेगा। ठीक है, तो इनको भरना ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है कि उसको कैसे सही सही फिल किया जाए। ठीक है, आइए मतलब कि हम यहाँ पर अब देखना, देखो ये ऑर्डर तो नहीं भूलोगे, मैन हाउस फ्लाई मैंगो व्हीट, ओके, ये ऑर्डर बिल्कुल नहीं भूलना है। सबसे ऊपर मैन, फिर हाउस फ्लाई, फिर मैंगो, फिर व्हीट, तो ये ऑर्डर मान के चले आप नहीं भूल सकते कभी। तो अब यहां पर हमको काम करना है, ओके। तो ऐसा करो कि सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं ताकि जो वर्ड्स है वो वर्ड आपको आपके टंग पे सेट हो जाए पहले तो, ठीक है, उसके बाद उसका आगे का काम करेंगे। तो फैमिली की बात करते हैं मैन की,
तो मैन की जो फैमिली आपको आ जाएगी यहाँ पे, उसको कहते हैं होमिनिडी, ठीक है? तो होमी निडी यही लगा के लिखते हैं, ओके। हाउस फ्लाई की फैमिली जो होगी वो मस्किडी, MUSCIDA, ठीक है? मस्किडी, मस्किडी पढ़ते हैं इसको। मैंगो की उसी तरह से आ जाएगी एना कार्डियसी, एना कार्डियसी, ठीक है? थोड़ा सा आपको क्या सेंस आता है यहाँ पे मैं बताऊं। कार्डियक अरेस्ट होता है ना, धड़कन से रिलेटेड कार्ड, तो आप समझ सकते हो कि मैंगो खाने से मान के चलो कि जो दिल की धड़कन है वो एकदम फिट रहती है, सही रहती है, ठीक ना? तो कार्डियक का जो सेंस आएगा वो आपका मैंगो से आ जाएगा। मैंगो खाइए और आपका जो हार्ट है फिट रहेगा, ओके। फल खाने से ऐसा भी बोलते हैं, सब कुछ सही रहता है, तो वो आपका यहाँ पे कार्डियक सेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, एना कार्डियसी, ओके। लास्ट वाला कौन है? वीट। तो वीट की जो आपकी फैमिली बनती है वो होती है पोएसी। वीट की फैमिली बन गई पोएसी, POACEAE, ठीक है? ये देखो तो कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, 7 लेटर्स। थोड़ा याद रखिएगा, बाद में आपको ये काम आ सकता है। चलो तो एक बार फिर से देख लो, मैन की फैमिली होमिनिडी, हाउस फ्लाई मस्किडी, मैंगो एनाकार्डियसी और वीट पोएसी, क्लियर है? अच्छा, इसमें एक चीज देखना कि सबके अंत में ए ए जैसा कुछ लगा हुआ है ना? भले ही उसका प्रोनाउंसिएशन कहीं हो कहीं नहीं हो, लेकिन ए लगा हुआ तो है, लिखने में यूज करेंगे आप। होमिनिडी, मस्किडी, एनाकार्डियसी, पोएसी, क्लियर? तो लगा हुआ तो है ए। तो इससे अगर आप कभी भूलोगे तो थोड़ा सा याद रखना, हाल ही में एक मूवी आई थी, कौन सी, हाउसफुल 4, अक्षय कुमार की। उसमें एक कैरेक्टर है रंजीत, पुराना याद होगा अगर आप में से किसी को, तो जो जो भी एक्ट्रेस रहती है उनके फादर रहते हैं वो रंजीत। तो उसका बड़ा फेमस डायलॉग होता है कि वो जब देखो तब, उस मूवी में भी वो इस तरह का वर्ड निकालते रहता है, ऐ करके, ऐ करके, है ना? अगर आपने देखी है मूवी हाउसफुल 4, तो आप देखेंगे उसमें कि आपको इस तरह से ये आएगा। और उसकी अपनी एक फैमिली होती है, रंजीत की अपनी एक फैमिली होती है। तो मैं जस्ट कोरिलेट कराना चाह रहा हूं आपको कि फैमिली, तो रंजीत डॉन, पहले जमाने में जो मूवियां बनती थी उसमें ये डॉन हुआ करते थे, तो रंजीत डॉन की अपनी एक फैमिली है। और ये रंजीत करता है क्या, क्या करते रहता है, ऐ ऐ जैसे डायलॉग को बार बार यूज करता है, ऐ ऐ करता रहता है ना? तो आप इसे समझ लीजिएगा फैमिली में ए, ठीक है? फैमिली, रंजीत की फैमिली और रंजीत ए कर रहा है, तो सब में आपको ए ए ए लगेगा, क्लियर है ये बात? चलिए, तो ऐसे ही कोई चीज दिमाग में रिलेट कर लिया याद रखने के लिए, ओके। आइए आप बात करते हैं ऑर्डर और क्लास में। तो पहले ऑर्डर की बात करेंगे, तो मैन का ऑर्डर आ गया प्राइमेटा, ठीक है? प्राइमेट्स होते हैं इसमें, और भी बंदर बंदर ये जितने भी हैं, एप्स वगैरह ये सब चले आते हैं ह्यूमन के साथ, ठीक है ना? तो ये प्राइमेटा के अंडर में आते हैं, ओके। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का ऑर्डर हो जाता है डिप्टेरा, ठीक है? या डायप्टेरा बोलिए इसको, डायप्टेरा, ओके, डायप्टेरा। और मैंगो हो जाएगा सेपिंडल्स, SAPI, सेपिंड, SAPINDALES, ठीक है? सेपिंडल्स, सेपिंडल्स, ओके। और व्हीट का ऑर्डर आपको चलेगा पोएल्स, POALES, पॉयल्स, ठीक है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था यहाँ पे कि इसमें जो आएंगे 7 लेटर्स आएंगे, और यहाँ पर गौर से आप काउंट करें तो आपको 6 लेटर्स ही मिलेंगे, है क्या? तो एक बात बताओ, अगर हम फैमिली वर्ड बोल रहे हैं तो बड़ा सा सेंस आता है, फैमिली में एक ही लोग होते हैं क्या? फैमिली में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब बड़ी फैमिली की बात हो रही है, राइट? तो बड़ा लेटर आ गया ना पोएसी,
ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होगा आपको कि हो सकता है पॉइसी को आप इधर बिठा दो, पॉल्स को आप इधर बिठा दो, है ना। ये याद करने में कई स्टूडेंट से मैंने सुना है ये चीज कि ये प्रॉब्लम होती है, पॉइसी ऑर्डर में था या फैमिली में था पता। तो फैमिली में होगा एक तो आपको ये ए से आपको याद रखेंगे हम लोग, और प्लस क्या कि ये जो आप पॉइल्स लिखो और पॉइसी लिखो अगर आप कभी कंफ्यूज कर रहे हो तो जो बड़ा होगा लेटर वाला वो किस में जाएगा, फैमिली में जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ध्यान से इसको याद रखेंगे। तो आपका पॉइसी जो हो गया ये बन गया फैमिली और पॉइल्स हो गया ऑर्डर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बस एक बच गया आपका क्लास, राइट। तो मैन की क्लास आती है मेमिलिया। मेमिलिया के स्पेलिंग में आप पहले मम्मा लिख लो, देखो MA MMA मम्मा। एक्चुअली ये लैटिन वर्ड ही है, मेमिलिया आया भी इसी वर्ड से, मम्मा से है ना, जिसका मतलब क्या होता है कि वो ब्रेस्ट होता है ना, जो उससे आप क्या होता है कि आप ऑफस्प्रिंग को वो फिटिंग करते हो। तो मम्मा वहां से वर्ड आया हुआ है और उसी में LIA लगा दीजिए, मेमिलिया। क्लियर है? हाउस फ्लाई का क्लास की बात करेंगे। तो क्या है ये, कीड़ा मकोड़ा ही तो है, कीड़ा है एक्चुअली, तो इंसेक्टा, यहाँ पे इंसेक्टा, इंसेक्टा उसकी क्लास बनती है, याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पे अब जो दो आते हैं मैंगो और बीट के केस में, तो यहाँ पर मैं नाम को छोटा करके लिख रहा हूँ डाइकॉट, और यहाँ पे लिखूंगा मोनोकॉट। मैंगो डाइकॉट क्लास में आएंगे और जो व्हीट आएंगे वो मोनोकॉट में आएंगे, हालांकि इसका पूरा नाम क्या है, डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन, ठीक है। बट आप शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में लिखो ज्यादा बेहतर है, और एक्चुअली इतना भी लिखा हुआ रहेगा तो ऑप्शन में आएगा पूरा तो पकड़ ही लोगे, है ना। तो हम लोग अपना याद रखने के लिए डाइकोट और मोनोकोट से काम चला लेते हैं, वैसे भी जगह की कमी है, ठीक है। वैसे नहीं तो पूरा नाम डाइकोटिलीडॉन है और मोनोकोटिलीडॉन है। ओके चलिए, तो हम ना हमारा ये टेबल जो भी NCERT में दिया हुआ था वो आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, तो अभी काम खत्म नहीं हुआ। आप कहोगे कि सर ये क्या, ये तो NCERT से भी देख करके इतना तो मतलब याद कर सकते थे। हाँ चलिए, कुछ बातें यहाँ पे जरूर आपको सीखने को मिली होगी कि फैमिली में लास्ट में आपका ए वगैरह जैसे वर्ड ये सब यूज होंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है वीट में, तो इसमें 7 लेटर्स हैं, यहाँ पर 6 लेटर्स हैं, फैमिली मतलब बड़ा सेंस, बड़ा बड़ा वाला जो होगा वो फैमिली में आ जाएगा। ये चीज आपका यहाँ पे कुछ फायदा हो सकता है, बट असली फायदे की बात अब देखिए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या नोटिस किया था, हमने नोटिस किया था कि आपका जो ये बायोलॉजिकल नेम तो पूछने वाला है नहीं, क्लियर। और बायोलॉजिकल नेम अगर आपको याद है तो फिर आपका ये जो जीनस है वो भी आपको याद रह गया। फिर भी मान के चलो कि अगर आप कभी भूलते हैं इस जीनस को, ये ऑर्डर तो नहीं भूल सकते, ये ऑर्डर कभी भी नहीं भूलना है आपको, ये ऑर्डर अगर भूल गए तो फिर खेल खत्म हो जाएगा, ये ऑर्डर नहीं भूल सकते। मेन सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे नीचे, सबसे लास्ट में रोटी खाएंगे, वीट सबसे नीचे, उससे पहले मैंगो खा लेना, और मैंगो के ऊपर कौन बैठा रहेगा, मक्खी, ठीक है, मैन मक्खी आम गेहूं, क्लियर। ये ऑर्डर नहीं भूल सकते आप, ओके। तो अगर हम ये नहीं भूले, साइंटिफिक नाम नहीं भूल सकते, साइंटिफिक नाम में आपको दो तो पहले से याद है, बाकी दो जो है आप आराम से याद कर सकते हो, मस्का डोमेस्टिका और ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ये भी मान लो याद हो गया, ये याद होने से क्या हुआ, जीनस याद हो जाता है, क्लियर। और अगर मान लो आपने इसको खूब 2-4 बार पढ़ा, जिससे आपको होमो मस्का मैंजीफेरा और ट्रिटिकम ये सब जवान पे अगर बैठ गया, तो फिर करना क्या है, चलो इसको थोड़ा मिटाते हैं हम लोग, और ये मान लो कि हमें कुछ कुछ याद है कुछ कुछ भूल गए टाइप सा है, तो क्या करेंगे अब हम लोग, इसका पहला लेटर उठाओ, क्या दिखता है हमको, एच दिखता है, एम दिखता है, फिर एम दिखता है, टी दिखता है। तो HMT घड़ी आती थी, अभी भी आती होगी मार्केट में, वैसे बहुत कम ही है, याद है क्या, उसी से मिलता जुलता है, बस क्या अंतर आ गया, 2 बार एम आ गया, तो हम क्या पढ़ेंगे, HMMT, HMMT, पहला वाला ह्यूमन के लिए, दूसरा वाला मक्खी के लिए, हाउस फ्लाई के लिए, तीसरा वाला किसके लिए, मैंगो के लिए, और चौथा वाला किसके लिए, सबसे लास्ट में क्या खाते हो, रोटी खाते हो, रोटी वीट के लिए, ओके। चलो तो याद हो जाएगा, होमो किसके लिए, ह्यूमन के लिए या मैन के लिए, उसके बाद मक्खी मस्का था ना इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका, फिर किसके लिए, आम के लिए, मैंगो के लिए, मैंजीफेरा,
इसका तो याद ही था आपको साइंटिफिक नेम, और ये ट्रेटिकम याद किया था इसको, वीडियो पॉज करके याद होगा आपको, होमो मस्का मेंजिफेरा ट्रेटिकम दिख गया यहाँ पे। तो जीनस की तो बात आप छोड़ ही दो, जीनस नहीं पूछने वाला आपसे, तो चलो इसे भी मिटाते हैं। ठीक, उसी तरह से आपका वो जो फाइलम है या डिवीजन है वो भी नहीं पूछने वाला। सबको पता है कि मेन के पास वर्टिब्रल कॉर्ड होते हैं, कोडेटा में आएगा। ठीक, सबसे ज्यादा संख्या मक्खी मच्छर की ऑर्थोपोडा वाली होती है, ऑर्थोपोडा भी नहीं पूछने वाला। लास्ट का जो बच गया था एंजियोस्पर्मी, पूछा तो पूछा, नहीं पूछा तो भी ठीक, एंजियोस्पर्मी। चलो हटाओ। अब सवाल रह गया कि इनका क्या करें फिर। तो हमने इनको बार बार पढ़ के दिमाग में बिठा लिया ना कि होमिनिडी लिखना है, मस्किडी लिखना है, एनाकार्डियसी लिखना है, पोएसी लिखना है, फैमिली में लास्ट में ए ए क्लियर है। ऑर्डर के लिए प्राइमेटा, डैप्टेरा, सेपिंडल्स, पोएल्स, क्लियर। क्लास के लिए मेमेलिया, इंसेक्टा, डायकोट एंड मोनोकोट। ओके, अच्छा डायकोट मोनोकोट के लिए भी अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ याद रखने के लिए कहूँ तो देखो ध्यान देना, आगे जाके पढ़ोगे आप प्लांट किंगडम में कि डायकोट जो होते हैं ना ये ऐसे होते हैं आपको प्लांट्स जिसमें हम जड़ की बात करेंगे, जमीन के नीचे घुसो, जमीन के नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको ये फाइब्रस रूट्स होंगे इस तरह से, कोई एक मेन रूट जो है वो नहीं इसमें आएगा। ठीक है, तो जिसको आप क्या बोलते हैं, टैप रूट है ना, टैप रूट की बात इसमें नहीं होगी, किसमें, डायकॉट में। ओके, तो कैसी बात होगी, फाइब्रस, उल्टा बोल रहा हूं सीधा बोल रहा हूं, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। यहां देखो मोनो का क्या सेंस होता है, एक मोनो का क्या सेंस होता है, वन, ध्यान रखिएगा फिर से सुनिएगा, डायकॉट था मोनोकॉट था। मैं ये बात कर रहा हूं कि ये किसके लिए लिखा हुआ था, एक बार फिर से याद करो तो, ये मैंगो के लिए था और ये किसके लिए था, वीट के लिए था। ओके, डायकॉट किसके लिए था, मैंगो के लिए था, मोनोकॉट किसके लिए था, वीट के लिए था। एक काम करना, कभी मौका लगे तो मैंगो का जो छोटा पौधा होता है, जैसे होता है ना कहीं आप गुठली खाए फेंके और वहां पर मैंगो का जो ट्री है वो छोटा सा प्लांट है वो ग्रो कर जाता है, तो मान लो कुछ दिन उसने ग्रो किया तो आप कभी साफ सफाई कर रहे हो और उसको कभी उखाड़ के देखो, आप उखाड़ के देखोगे तो उसका जो नीचे का पोर्शन होता है जड़ रूट जो बोल रहे हैं आप, उसमें देखोगे कि वो एक इस तरह से भागता जाएगा, ऐसे हल्का फल्का इसके अगल बगल ये रहेगा है? कुछ इस तरह। तो इसका नाम क्या होता है, टैप रूट, टैप रूट सिस्टम होता है इसमें। तो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, ये सिंगल, हिंदी में अगर इसको हम लोग पढ़े थे तो क्या था, ये मुसलाजर ऐसे बोलते थे। तो ये टैप रूट सिस्टम आता है, मतलब क्या दिख रहा है, एक ही मेन रूट दिख रहा है, तो एक का सेंस आया ना, लेकिन यहाँ पे होता उल्टा है, वही चीज मैं अभी कंफ्यूज कर गया था इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, होता उल्टा है। ठीक है, तो मोनो बोलेंगे एक का सेंस आ रहा है लेकिन ये किस में मौजूद होगा, ऊपर वाले में, तो मैंगो को उखाड़ते हैं तो उसमें मिलता है ना ऐसा, तो ये वाला हो जाएगा मैंगो के लिए, तो मैंगो में आपको ऐसा वाला मिलेगा, उल्टा सेंस को ध्यान में रखिएगा। और गेहूं का पौधा कभी उखाड़ के देखो तो गेहूं वगैरह क्या है, जैसे घास वगैरह होती है, मक्का वगैरह होता है, तो इन सब का जड़ कैसा होता है, नीचे का वो इस तरह से आपका फाइब्रस होता है, ऐसे करके वो जमीन के अंदर रहता है, उसका कोई एक मेन जो है टैप रूट की तरह ऐसे भागेगा नहीं, इसको क्या बोलना है, टैप रूट, और इसको क्या बोलना है, फाइब्रस रूट। तो इन जनरल क्या होता है कि ये वाला डायकॉट कहलाते हैं और ये वाले मोनोकॉट। चल याद रखोगे, उल्टा सेंस चलना, ये मोनो एक का सेंस आ रहा है लेकिन होता इसके लिए है, ठीक है, फाइब्रस रूट मोनोकॉट के लिए, और ये टैप रूट डायकॉट के लिए। तो आम को उखाड़ के देखो ना, आम को उखाड़ के देखोगे एक सिंगल वाला ऐसे भागता हुआ मिलेगा, सिंगल मिला तो होगा कौन, डाई, क्लियर, तो ये थोड़ा याद रखना। और गेहूं या फिर ये घास वास उखाड़ के देखो, उसमें इस तरह से फाइब्रस मिलेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, तो बहुत सारे लग रहे हैं तो तुम्हें लगेगा डाई होगा क्या, लेकिन नहीं, होता उल्टा है, होगा मोनो, मोनोकॉट। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखिएगा,
उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ खुद ही पहले से उल्टा है। आप दोबारा उल्टा करेंगे, आप सोचेंगे कि सीधा है, मोनो वन है वन, तो यहाँ वन उस वजह से नहीं है। मैं यहाँ पे जड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पर जो नाम मोनो और डाय रखा गया है वो किसी और कारण से रखा हुआ है। जो आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लियर होगा कि हाँ भाई इसमें दो होते हैं समथिंग और इसमें एक ही होता है समथिंग, तो इसके लिए वो समथिंग क्या है आपको प्लांट किंगडम में पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल मैं जड़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो आसान है आपको देखना कि आराम से जाओ मैंगो का कोई भी छोटा सा पौधा है उखाड़ो, देखो उसमें एक सिंगल बड़ी सी जड़ नीचे जाते हुए दिखाई देगी जो टैप रूट कहलाता है। तो सिंगल का सेंस आ रहा है, लेकिन वहां पर उसका जो क्लास बनेगा वो डाई से बनेगा। ठीक है, तो डायकॉट हो जाएगा। और जो ये वाला है फाइब्रस रूट, अगर इसको उखाड़ के देखो, गेहूं के पौधे को उखाड़ के देखो, किसी भी घास फूस की तरह उसका इस तरह का बनेगा। तो बहुत सारे दिख रहे हैं, तो बहुत सारे में आप उल्टा होता है, तो डाई ना देके क्या देना है, मोनो देना है। क्लियर, तो ये कुछ बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मिटा ले, तो ये वाली बातें हो गई। तो डायकॉट अगर एकदम से आ गया कहीं पे, डायकोटिलीडॉन वो किसके लिए, किसका क्लास है, तो भैया जिसके पास एक ही जड़ हो, है ना, तो वो कौन है, मैंगो हो गया। और मोनोकॉट, मोनो है यहाँ पे, तो दिमाग में दौड़ाएंगे जिसके पास फाइब्रस वाला रूट हो, है ना, फाइब्रस वाला हो, तो कौन है, गेहूं है, मोनो। चलो लास्ट वीक वाला, तो ऐसे भी थोड़ा सा पकड़ सकते हैं। ये सब जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ ये सब दिमाग में रखिए, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के लिए हिट कर सकता है। चलिए अब आते हैं अपने और फाइनल बात की तरफ बढ़िए। ये तो बात हो गई कि फैमिलीज को ऐसे हो गया, ऑर्डर ऐसा हो गया और क्लास ऐसा हो गया, बाकी ये किनका किनका वो दिमाग में सेट है। मैन, मक्खी, आम, गेहूं, क्लियर। चलो तो हमिनिडी, मस्किडी, एनाकार्डियसी, पोएसी, ऑर्डर यहाँ पे हो गया प्राइमेटा, डायप्टेरा, सेपिंडल्स और पोएल्स, मैमेलिया, इंसेक्टा, डायकॉट एंड मोनोकॉट, वो सब क्लास में चलेगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग फिर वही काम करेंगे जो भी जीनस के लिए किया था। काम क्या करना है, पहला पहला लेटर उठाओ, देखो यहाँ भी कुछ ट्रिक निकल के आता है क्या। एच हो गया, एम हो गया, ए हो गया, पी हो गया। ठीक है, तो लिखता हूं मैं पहले इनको, आराम से लिखता हूं, एच एम ए पी। बाद में आप ये सारा काम खुद से भी करके देखना है, ठीक है, और जब आपको हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, और मैं पर्सनली सबको रिप्लाई करूंगा, थैंक यू बोलूंगा। ओके, चलो एच एम ए पी, एच एम ए पी हो गया, फैमिली लिखा हमने। फिर क्या है यहाँ पे, पी डी एस पी, पी डी एस पी, है ना, लिख दिया। उसके बाद वहां क्लास है, तो क्लास में क्या करूंगा, एम आई डी एम हो गया। अब हमें यही देखना है कि ये मुझे किसी तरह से एक सीरीज में याद हो जाए, बाकी ये दिमाग में जरूर चलेगा कि ये हमने लिखा हुआ है फैमिली के लिए, ये लिखा हुआ है ऑर्डर के लिए, ये लिखा हुआ है क्लास के लिए। ये तो एक हायरार्की तो बनी हुई थी हमारी। ठीक है, तो फैमिली वाले थे तो एच एम ए पी, ऑर्डर हो गया पी डी एस पी और एम आई डी एम। तो कोई तरीका है क्या इसको हम लोग थोड़ा सा मेमोराइज कर सकें, तो बिल्कुल है, सुनिए ध्यान से, हमें याद करना है, हमें ढूंढना है कोई तरीका। तो ढूंढने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, कुछ ढूंढना है जैसे मान लो खजाना ढूंढना है, क्या क्या इस्तेमाल करोगे, मैप इस्तेमाल करोगे। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एम ए पी, मैप। ठीक है, तो हमें मैप की मदद से मान के चलो कुछ ढूंढना है, तो फैमिली वाला तो हो गया ना, तो हम ये कहेंगे कि हमने उठा के देखा मैप। क्लियर, हमने उठा के देखा, क्या देखा, मैप को, हो गया। अब देखो मान लो कि कुछ ऐसा हुआ कि हम मान के चलो कि लॉकडाउन का समय है और हम अपने दोस्त के साथ लॉकडाउन होने के बावजूद जा रहे हैं खजाना ढूंढने के लिए, मैप को उठाया और खजाना ढूंढने निकल गए, बताओ पुलिस क्या करेगी, डंडा मारेगी, खदेड़ेगी, भगाएगी, है ना। भाग के हम लोग आ गए, हम लोग पड़ोसी थे, अपने अपने घर में छुप गए, क्लियर, अपने अपने घर में छुप गए, पुलिस आ गई पीछे से, पुलिस आ गई पीछे से, घर में घुस गई कि भाई बाहर निकले थे, अब तो 10 घंटे खाने पड़ेंगे। मैंने देखा पड़ोसी को, पी फॉर पड़ोसी, पड़ोसी को देखा, तो देखा मैंने कि पड़ोसी के यहां डीएसपी साहब आए हुए, पड़ोसी के यहां डीएसपी, डीएसपी साहब आए हुए, इसको ऐसे ही याद रखना। ठीक है, एक्चुअल में भले वो डीवाईएसपी होता हो, हमें ऐसे ही याद रहता है, बचपन में तो ऐसे ही जानते थे, डीएसपी जानते थे ऐसे ही। ठीक है, डीएसपी आएगा,
पड़ोसी के यहाँ, जो मेरा पड़ोसी फ्रेंड था वो, उसके यहाँ मैंने देखा डीएसपी आए हुए। फिर से बता रहा हूँ, फिर से सुना। लॉकडाउन का समय था, कहीं से कोई नक्शा हाथ लगा जिसमें खजाने के बारे में था। कोई पुराने पुराने दादाजी जो थे हमारे पूर्वज, कुछ खजाना कहीं छुपा के गए हुए थे। हमें मन हुआ चलो यार जल्दी से निकाल ले, नहीं तो कोई ले जाएगा। तो हमने मैप उठाया, क्लियर, मैप उठाया, खजाना ढूंढने बाहर निकल गए। लॉकडाउन का समय था, पुलिस देखा, खदेड़ दिया, भाग के घर आ गए। भाग के घर आए, हम अपने घर आए, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त अपने पड़ोस में अपना जहाँ रहता था वहां गया। मैंने पड़ोस में देखा, क्या देखा, उसके यहाँ कौन आए हुए, डीएसपी आया। तो हमने मैप देखा, पड़ोस में डीएसपी, क्लियर, और मेरे यहाँ कौन आया। देखिए माई या मी का सेंस लेंगे, लेकिन ना तो MY लिखेंगे ना तो ME लिखेंगे। MI को भी तो माई ही बोल सकते हैं ना, रेडमी में बोलते हो ना MI, खैर। तो माई मतलब मेरे घर में फिर कौन दिखे, पड़ोसी के घर में तो डीएसपी आए। हम सोच रहे हैं बाप रे बाप, उसके यहाँ तो डीएसपी आ गया, चलो अच्छा वो हमारे यहाँ नहीं आया। और मैं खुद अपने यहाँ क्या देखता हूँ, फिर देखता हूँ कि मेरे यहाँ तो डीएम साहब मौजूद है, DM, ठीक है ना, थोड़ा सा फनी टाइप का याद रह पाएगा। एच, हमने मैप देखा, पड़ोसी के यहाँ डीएसपी, मेरे यहाँ MI DM, क्लियर। हमने मैप उठाया, पड़ोस में देखा, डीएसपी, मेरे यहाँ MI DM। हमने मैप उठाया, पड़ोस के यहाँ डीएसपी, हमारे यहाँ, मेरे यहाँ MI, मेरे यहाँ DM, क्लियर है। तो अगर आपको ये याद हो जाए, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके जैसा हो सके इसको आप बिल्कुल, उसको भूल जाना, इसको सिर्फ, हमने मैप उठाया, पड़ोस के यहाँ डीएसपी, बीच की कहानी स्किप मार देना, मेरे यहाँ MI DM, क्लियर। चलो याद हुआ कि नहीं, मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। देखो पहला कौन था, फैमिली, सीधी सी बात है, फैमिली क्लास एंड ऑर्डर के लिए हम लोग, सॉरी, फैमिली ऑर्डर एंड क्लास के लिए हम लोग काम कर रहे थे। इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप वही कैप्को पेगस, ये अगर अगर उल्टा भी हो रहा है तो आप उसको सुधार सकते हो, है ना। कहां से, यहां से, फैमिली ऑर्डर एंड क्लास, यहां से फट से वो चेक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलो हमने मैप उठाया, पड़ोस में डीएसपी, मेरे यहां MI, कौन भाई, DM साहब, हो गया क्या, क्लियर है। चलो अब जरा सा इसको फुल फॉर्म कर दिया जाए, तो फुल फॉर्म क्या, बगल में तो लिखा हुआ है, होमिनिडी, मस्किडी, एनाकार्डियसी, पोएसी, प्राइमाटा, सॉरी प्राइमेटा, क्या है, डायप्टेरा, लिख सकते हैं, सेपिंडल्स, सेपिंडल्स, पोएल्स, मेमेलिया, इंसेक्टा, डायकॉट, मोनोकॉट, ठीक है, डायकॉट, मोनोकॉट, ठीक है। ये डी कौन था, डिप्टेरा, जो बच्चा, ऑफ कोर्स, इंसेक्टा, सबको बढ़ते जाना, मेमेलिया, प्राइमेटा, ठीक है, सेपिंडल्स। तो ये सब अगर आप 4-5 बार बढ़िया से पढ़ लेते हो तो नाम आपको जबान पे बैठ जाएगा, पोएल्स, पोएसी, ठीक है, एनाकार्डियसी, मस्किडी, होमिनिडी। तो इस तरह से हमने मैप देखा, समथिंग समथिंग हुआ, पड़ोस में डीएसपी आए, मेरे यहाँ DM आए, ठीक है। चलो आई होप, तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इतना आप पहले कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे थोड़ा सा और बात करूंगा। तो आई होप कि आपने अच्छे से देख लिया वहां तक। चलो एक बार आप फिर से आप मेरे साथ प्रयास करो। हम लोग टेबल इस बार पूरा मिटा दिए हैं और अपने मन से बनाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, जो भी टेक्निक था उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। चलो, चार की बनानी थी टेबल, सबसे पहले कौन था, मैन, और ये था क्या आपका, आप चाहो तो यहाँ पर
या स्पीसीज भी लिख सकते हो, नहीं तो कॉमन नेम डाल दो, कॉमन चलो नेम ही डाल दिया, मेन हो गया। चलो अब क्या था, हाउस फ्लाई, ओके। फिर कौन थे, हाउस फ्लाई कहाँ बैठा हुआ था, मैंगो पे, और सबसे लास्ट में क्या खाना है, स्वीट खाना है कि नहीं खाना, ठीक है। चलो उसके बाद साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम कह लो या साइंटिफिक नेम कर लो, एक ही बात। मैन का बचपन से याद किया होगा आपने, होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई मस्का, बताया आपको याद करने को, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। मैंगो बोले मेरे साथ, मेंजीफेरा इंडिका, देखते जाए कोई दिक्कत नहीं। वीट ट्रेटिकम स्पेलिंग यार अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप थोड़ा एनसीईआरटी से देख के कंफर्म कर लेना, कोई प्रॉब्लम। चल जीनस, तो आपने पढ़ा था कि जो पहला वाला आएगा ये सब कौन है, जीनस ही है, तो होमो मस्का मेंजीफेरा ट्रेटिकम, क्लियर है। जीनस के बाद क्या आएगा, चलो मैं भूल गया, मान लो कैपको फेगस तो नहीं भूल सकता ना, केपीसीओ एफजीएस, ऐसे भी केपीसीओ एफजीएस। चलो जीनस लिखा मैंने, अब क्या लिखूंगा, फैमिली, फिर क्या लिखूंगा, ऑर्डर, फिर क्या लिखूंगा, क्लास, फिर क्या लिखूंगा, फाइलम या डिवीजन। डिवीजन किसके लिए, प्लांट्स के लिए, फाइलम किसके लिए, एनिमेलिया की। चलिए फैमिली में आते हैं, यहाँ पे बताया था कि सबके लास्ट में यही 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 लगा हुआ है। अच्छा बाकी अभी ट्रिक सीखा था किस लिए, पहले उनको तो भर दें, ये इनके लिए तो याद किया था ना अभी, तो मैंने क्या बोला, हमने मैप देखा, समथिंग समथिंग समझ रहे हो। उसके बाद क्या हुआ, पड़ोस के यहाँ कौन आए, डीएसपी साहब, नो प्रॉब्लम। और फिर क्या हुआ, मेरे यहाँ कौन आए भाई, हमको लगा हम तो बच गए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कौन पहुंच गए, डीएम साहब पहुंच गए, देखो तो यही था ना, बाकी भर सकते हो क्या आपने से? तो अगर आपको करस्पॉन्डिंग वर्ड पता हो, अब जैसे आप सोचोगे यार डी तो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, क्या करूं। चलो ये वाला तो एकदम अच्छे से समझ लो, ये वाला डायकॉट, ये वाला मोनोकॉट, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ये क्या पड़ेगा, डिप्टेरा ऑफ कोर्स। चलो कुछ भरते हैं, हाउस फ्लाई जितना दिमाग में आए पहले उसको भरते जाते हैं। हाउस फ्लाई इंसेक्टा, कीड़ा ही तो है, मैन मैमल्स ही तो है, मम्मा बोला था ना, मैमलिया, सही है, हो गया उधर का पूरा। चलो इनको कर लेते हैं जरा, ये वाला थोड़ा लंबा था, एनाकार्डियसी लिखता हूँ इसको। मैंगो खाने से क्या ठीक रहता है, कार्डिक कार्डियसी बताया था लास्ट में, सी डालते जाना है सबको, एनाकार्डियसी, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लू, ANACARD एनाकार्डियसी, एनाकार्डियसी, अब लास्ट में ए ही याद छूट गया, ए ही, हाँ रंजीत साहब का डायलॉग देखिए मदद किया ए ही को ढूंढने में, लास्ट में ए ही लगा लेते हैं। चलो सब में लगाएंगे, यहाँ पे था ना कुछ पोपो, पुआ पुआ दोनों में था, पुआ ये छह अक्षर का था, ये सात अक्षर का, पोएल्स, पोएल्स होगा ये, सही है। ये क्या होगा फिर, सात अक्षर का कुछ होगा जिसके लास्ट में ए ही होगा, पोएसी, पोए सी, पी ओ ए सी ई ए ई, स्पेलिंग देखिए यार क्या है, पोएसी होगा, पी ओ ए सी ई पी, अच्छा दो बार लिख दे तो दिक्कत है, पी ओ ए सी ई ए ई, देखो तो अच्छा हुआ, पी ओ ए सी ई ए ई, पोएसी लास्ट में ए ही चलेगा, ओके यही आपका। इनमें भी लास्ट में यही होना है, ऐसा कौन है इसमें लास्ट में यही हो, शुरू में एच हो, होमो हो, होमिनिडी है ना, होमी क्या था, होमी निडी,
ठीक है, ह्यूमिडिटी। और उसी तरह से ऐसा कौन है जिसके शुरू में एम हो लास्ट में ए ही हो और मस्का से रिलेटेड हो, मस्किडी, मस किडी, वही हो गया MUSCIDA। क्लियर यहाँ पे? चलो भैया ऑर्डर बढ़ना है। मैन बताया था, बंदर बंदर सब कुछ क्या है, वो सब इंसान के साथ सब लोग क्या है, प्राइमेटा में डाले गए, प्राइमेटा ऑर्डर में आ गया। ओके, हाउस फ्लाई, डिप्टेरा या डायप्टेरा, सॉरी मैं डिप्टेरा बोल देता हूँ बार बार, डायप्टेरा होगा। और यहां पर थोड़ा याद रखना है एस से, सेपिंडल्स, सेपिंडल्स, ठीक है। अच्छा अब इसमें, अच्छा लास्ट वाला भी भरना है क्या, भर ही लो चलो जल्दी जल्दी फटाफट। और डेटा ठीक है, ऑर्थोपोडा यादी था सबसे ज्यादा होंगे, मक्खी उसकी मक्की मच्छर सब मिला के। और कॉर्डेटा आपको आ गया, रीढ़ की हड्डी वाला टर्म। और ये दोनों एनजीओ स्पर्म, एनजीओ स्पर्म, ठीक है दोनों। अच्छा इसमें कुछ लोग ने ऐसे ऐसे भी कुछ ट्रिक बनाए हुए, तो ये हो गया कि जैसे मैंने आपको ये समझाया, ये तो हो गया एक बार। दूसरी बात, आपको अगर ऐसे याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक हम लोग देखो ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, जैसे अगर आपने ऐसे कुछ देखा तो इसमें क्या हो गया, ऐसे भी समझो आपको फैमिली ऑर्डर क्लास से देखना है, तो यहां से एच आ गया तो हमारा पी एम सी एच ओ आर को जो पढ़ना है पढ़ लो आप, ठीक है। तो ज्यादातर आपको यहाँ वहां ऐसे भी कुछ लोग ट्रिक बना के रखते हैं, हमारा पी एम चो टाइप, ठीक है याद रहा तो चलो ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है आपका, ये देखो मक्खी जो है, मक्खी भनभन भनभन करती है ना, एक तरह का म्यूजिक ही दे रही है। म्यूजिक के सेंस से आपको आ जाएगा, देखिए एम यू एस आई सी म्यूजिक होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो तो स्पेलिंग गलत लिख दिया, मस्किडी, मस्किडी बोलते हैं ना एम यू एस, ठीक है। तो म्यूजिक का जो सेंस आता है एम यू एस आई सी, उससे एम यू एस पकड़ा जाएगा क्या, तो मक्खी जो है म्यूजिक दिया, म्यूजिक दिया। अब डी आई ए को पकड़ो, डी आई ए, म्यूजिक दिया, तो ऐसे भी जाना है तो आप पकड़ लोगे, ठीक है ओके। चलो आगे बढ़ो, यहां पर क्या हो गया, इसमें क्या करते हैं ए एन ए से स्टार्ट होता है, तो अन्ना सेंस लेके चलते हैं, अन्ना साउथ इंडियंस होते हैं ना, अन्ना बोलते हैं उसको, अन्ना आम खा रहा था यहाँ मैंगी मैंगो के साथ, ठीक है। कहाँ पे, आंगन में बैठ के, यहाँ पे आ गया आंगन, ए एन जी, ठीक है, उससे आंगन का सेंस लेना। तो एक अन्ना था आम खा रहा था आंगन में बैठ के, और देखा क्या, उसको दिखा क्या, दिखा सांप, दिखा एस ए पी, वहां से आप ले आना सांप को, सांप दिखा आंगन में, अन्ना को सांप दिखा, सांप दिखा आंगन में, अन्ना कर क्या रहा था, आम खा रहा था, ठीक है। ऐसे भी अपना बिठा सकते हैं, कहने का मतलब मैंने कह लो तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ओके सब तरफ से रखोगे तो क्रॉस वेरीफाई करने में आसानी होगा। लास्ट वाला उसी तरह से बीच के लिए, यहां पर पोपो 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 मो करके आप याद रख लो, पोएसी पोएल्स और मोनोकॉट, ठीक है पोपोमो पोपोमो कर लो, बाकी वो तो सेम था ही आपका, बाकी ये वाला लेकिन फिर भी याद रखना बच्चों कि ये सेवन लेटर्स का है, ये होगा सिक्स लेटर्स का, छोटा फैमिली बड़ा सेंस आएगा सेम, ओके। तो उलट पुलट नहीं होगी, पोएसी जो होगा हमेशा फैमिली में आएगा। लास्ट वाला ए ए ए रंजीत, रंजीत की फैमिली, ये वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, थोड़ा सा हम बात और करेंगे। क्या होता है कि कभी कभी मान के चलो कि अगर चार्ट ऐसे नहीं दिया हुआ है, आप कहोगे कि भाई ये तो सीधा दिया हुआ था, ये तो हो गया, अगर कभी कुछ उलट पुलट करके दे दिया तो उसमें जो हम लोग ट्रिक बनाए हुए थे, एक बार फिर से मैं ट्रिक को याद करा दूं आपको। एच हमने मैप देखा, ठीक है मैप वैप देखे, बाहर गए पुलिस मारा, पड़ोस के यहाँ भाग के आए, पड़ोस के यहाँ कौन आए थे, डीएसपी, और मेरे यहाँ एम आई कौन आया, डीएम, ठीक है ना, ये चीज है। तो क्या ये चीज, क्या हम लोग अगर उलट पुलट करके लिखें तो उसमें भी वर्क करता है, तो थोड़ा सा उस पर भी नजर डाल लेते हैं, पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है। तो
चलिए दोस्तों ये थोड़ा सा इस पर काम कर लें। जैसे मान के चलो हमें चार्ट जो है इस बार इस प्रकार से बनाना है, और फिर हमने जो उस लास्ट में किंगडम नहीं था एनसीईआरटी वाले में शामिल किया हुआ स्पीसीज, तो हमने उसको भी यहाँ पे क्या किया शामिल कर लिया। ठीक है, तो हम लोग चार की बात कर रहे थे, ह्यूमन उसी ऑर्डर में रखेंगे, ह्यूमन, हाउस फ्लाई, मैंगो और फिट। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो चलो क्या क्या आप आसानी से भर सकते हैं पहले उसको देख लो। ह्यूमन किंगडम क्या हो जाएगा इसका, एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम है। ओके, और हाउस फ्लाई का भी क्या है, एनिमेलिया, नो प्रॉब्लम। मैंगो क्या है, प्लांटे कह सकते हो, और ये भी प्लांटे, ऐसे चलेगा। ओके, उसके बाद आपका इनमें फाइलम की बात हम लोग करेंगे, फाइलम या डिवीजन। तो इसमें बता दिया था आपको ह्यूमन है तो कॉर्डेटा याद रहेगा, याद था ही आपको, और हाउस फ्लाई है तो आप ही बताओ, बताया ना सबसे ज्यादा वाला आर्थ्रोपोडा। ओके, और मैंगो के लिए ये दोनों सेम सेम बताया था, एनजीओ स्पर्मी, और ये भी एनजीओ स्पर्मी, ठीक है था ना, तभी वो ऊपर से नीचे लिखते थे लास्ट का दो सेम सेम, और बताया भी था कि ये सब तो आपसे पूछने वाला है नहीं, वो नहीं। स्पीसीज भी लास्ट में अगर आप देखो तो स्पीसीज का हम लोग जो भी उसका नाम होगा तो वही हम लोग लिखेंगे। तो उसके लिए हमारा था क्या कि बायोलॉजिकल नाम याद होना चाहिए, तो जीनस और स्पीसीज को मिला करके आपका बायोलॉजिकल नाम होता था, तो हम साथ में लिखेंगे तो वो भी लिखा जाएगा। ह्यूमन, ह्यूमन के लिए आपने क्या पढ़ा था, होमो, तो यहाँ पे जीनस में डाल दो होमो, यहाँ डाल दो सेपियंस, होमो सेपियंस पढ़ा था, तो ये इस तरह से डाल सकते हैं। उसी तरह से हाउस फ्लाई में आपका जीनस बन गया मस्का, है ना, और डोमेस्टिका, डोमेस्टिका स्पीसीज में आ गया, क्लियर है। मैंगो के लिए क्या करोगे, क्या करना है, वही काम, मेंजीफेरा इंडिका, क्लियर है। और वो लास्ट वाला व्हीट के लिए तो याद किया था आपने, ट्रिटिगम एसटीवी, ठीक है, ASTI STVM, हाँ जी, ट्रिटिगम एसटीवी, सही है यहाँ पे। चलो तो हमने जो वो ट्रिक बना के रखी थी वो तो था इन्हीं के लिए, तो देखना है कि क्या इस पे वर्क करता है वो, है ना। तो क्या था हमारा ट्रिक, तो हमने मैप देखा, समथिंग समथिंग हुआ, पड़ोसी के घर डीएसपी, माई मेरे घर डीएम, राइट, तो बिल्कुल वर्क करता है देखो, क्योंकि हमने उसी तरह के ऑर्डर लिखे हुए हैं, बस इंक्रीजिंग हायरार्की हो रही है, यहाँ पे नीचे से ऊपर जाओगे तो हायरार्की आपकी सिंपल बढ़ती जा रही है। तभी जो आपका था इससे पहले वाला उसमें क्या हो रहा था कि इधर से उधर जा रहे थे, फिर आगे की बढ़ रही है, अभी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे, है ना, इस तरह की बात। तो आपका यहाँ पर क्या था, हमने तो बताओ, हमने देखा मैप, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट किए थे, फैमिली से, फैमिली से स्टार्ट होता है। चलो तो यहाँ पर देखिए, हमने मैप देखा MAP, सही है, बोलो, चार लेटर का हुआ, तभी ऊपर से नीचे आया था, अभी लेफ्ट टू राइट चला जाएगा, बस यही अंतर है। हमने मैप देखा, बाहर गए, भाग के आए, पड़ोसी के यहाँ डीएसपी, मेरे यहाँ MI, MI लिखना, ना तो MI लिखना है ना तो MY लिखना है, MI लिखना है, ओके, लेकिन उसको सेंस रखना है हम लोग को मेरे में, मेरे यहाँ कौन आए थे, DM साहब, हो गया। भर सकते हैं क्या, बोलिए, जैसे ह्यूमन का क्लास, मैमेलिया, मम्मा, फिर LI, ठीक, मम्मा लिया, तो मैमेलिया, है ना, मम्मा और फिर LI लगा देना, हो जाएगा मैमेलिया। इंसेक्टा, कीड़ा है, आई से एक ही था ही इंसेक्टा, ठीक है, वहां पे डायप्टेरा, डायप्टेरा आता था, सही है। चलो वीट की क्लास में क्या आता था जो M से आपका चलता था, बताओ,
याद है वीट के लिए, याद करो मोनो और डाई की बात आती थी, वही आती थी ना, वीट का जो क्लास बनेगा वो मोनोकॉटिलेडन होगा, यहाँ पे मोनोकॉट देख रहे हो, ओके। व्हीट की तो थी मोनो, और मैंगो की क्या थी क्लास, मैंगो की क्लास कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ से पकड़ा गया, क्लास की बात कर रही है, डायप्टेरा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, डायप्टेरा कहाँ पर जाएगा, ऑर्डर में जाएगा, ये यहाँ पे देखो मोनो के जस्ट अगल बगल क्या होना चाहिए, डाई, चलो ये गलती पकड़ी गई। तो कभी कभी ये चीज होगा, लेकिन अगर आप उसको दो तीन तरह से कॉर्डिनेट किए हुए हो ना, तो ये गलती आपका पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो इससे भी सीखने को मिला आपको, मोनो के जैसे तभी था क्या, ऊपर नीचे था, डाई ऊपर था, मोनो उसके नीचे था, अभी भी क्या होगा, आसपास अगल बगल ही होंगे, जब ये ऑर्डर ही उसी तरह जा रहा है तो वो भी अगल बगल ही होगा, तो मोनो के अब इधर देख रहे हो, तो वही मैं सोच रहा था कि इधर तो मिला नहीं हमें डाई, कहाँ गया वो, तो वो था एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक है, डाइकोटिलेडन पकड़ा गया। इसका मतलब डिप्टेरा कौन था, यहां पर था, डायप्टेरा, सॉरी डायप्टेरा कहां पर होगा, यहां पर, सही बात। चलो ऑर्डर में यहां पे बताया था प्राइमेटा, और ये हो गया सेपिंडल्स, ऐसे एक ही था ही, तो सेपिंडल्स। चलो ये तो पोपो में बताया था, पोपो में क्या होना, पीओ ए एकदम दोनों में चलाना, एक होगा पोएल्स, एक होगा पोएसी, पोएसी और पोएल्स, तो आपका कौन सा पोएसी कौन सा पोएल्स, तो पोएसी ज्यादा बड़ा है कि पोएल्स बड़ा है, पोएसी बड़ा है, पोएसी फैमिली, फैमिली में आ जाइए पोएसी, ठीक है, पी ओ ए और उसके बाद सीई ए ई, फैमिली में लास्ट में ए ई लगाना है ना, वो भी नहीं भूलना है हमको, पोएसी लग गया, तो इसमें क्या कहा पोएल्स, पी ओ ए एल ई एस, पी ओ ए एल ई एस, क्लियर है। चलो फैमिली में अब आ जाते हैं एनिमेलिया, तो यही है ह्यूमन वाला, होमिनिडी एक ही था ऐसे, तो होमी होमिनिडी, ओके, और इसका क्या था, तो मस्किडी, मस्का के जैसा था, ऐसे भी बताए थे, म्यूजिक देता है मस्किडी, ठीक है, और ये क्या था, वही लंबा वाला, मैंगो खाओ और धड़कन मजबूत रहो, मस्त हो जाओ, ठीक है ना, कार्डिये सी, है ना, कार्डिये, कार्डिये तक लिख सकते हैं, कार्डिये उसके बाद सी, फिर लास्ट में ए, है ना, कार्डिये सी, ठीक है ना, कार्डिये सी, ए लग रहा है ना सबके लास्ट में, मैच कर रहा है, देखो सारे के सारे भर तो गए। तो इस तरह से आपका जो ट्रिक था फैमिली ऑर्डर और क्लास के लिए, फैमिली से आप स्टार्ट करते हो, फैमिली वाले से हमेशा आपको स्टार्ट करना है, और इस यहाँ पर आपको ऐसे बढ़ना है, एच एम ए पी, हमने मैप देखा, समथिंग समथिंग हुआ, भाग के आए पड़ोसी के यहाँ डी एस पी, और मेरे यहाँ एम आई डी एम, ठीक है, और बाकी सब वर्ड, सब वर्ड अगर आपको एकदम जबान पे चढ़ गया ना, तो ये लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वीडियो को आप अच्छे से दो तीन बार यहाँ पर आप अगर देख लेते हो, तो आई होप कि अब आप ये काम आराम से कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और अगर आप जानना चाहो, तो मैं आपको एक और छोटी सी बात चलते चलते बता ही दूँ, एक बहुत अच्छा मिला था मुझे, जरा देखो आप, यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ, एस ए एम आई, एस ए, यहाँ से भी मैं पकड़ सकता हूँ इसको, एस ए एम आई, सामी है ना, इंडियन क्रिकेट टीम का फास्ट बॉलर, आप में से मैक्सिमम लोग या सब लोग जानते ही होंगे उसको, मोहम्मद सामी, तो यहाँ पे मैं सिर्फ उठा रहा हूँ सामी, और सामी को करनी है बैटिंग, मान लो सामी की बैटिंग आ गई, ठीक है, सारे विकेट उधर आउट हो गए, लास्ट में उतरता है वो, क्या पहनेगा वो, पैड पहनेगा, पी ए डी, देखो तो पैड पहना, पी ए डी, किसने, सामी ने, देख रहे हो, तो यहां से भी पकड़ सकते हो, पी ए डी और एस ए एम आई, ये किसके लिए था, मैंगो के लिए, तो सामी बैठ के मैंगो खा रहा था, नहीं सामी बैठ के मैंगो खा रहा था, सामी बैठ के मैंगो खा रहा था, अचानक से बैटिंग आ गई, पैड पहनो और सामी बैटिंग के लिए चल दिया, पैड पहना और बैटिंग के लिए चल दिया, नहीं तो वो अन्ना वाला भी तो था ही, बताया सब कुछ।
आंगन में बैठ के आम खा रहा था। आंगन में बैठ के अन्ना खा रहा था आम, दिखा उसको क्या दिखा? सांप दिखा। ठीक है, किसको? अन्ना को। क्लियर? तो बहुत तरह से आप इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी पॉसिबल ट्रिक टेक्निक्स था, कुछ नए कुछ पुराने, सबको मिक्स करके मैंने आपके लिए ये तैयार कर दिया। तो आप अच्छे से थोड़ा आराम से वीडियो को 2-3 बार देख लो। आई होप कि मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपको ये पूरा पूरा आप टेबल ये अपने से लिखने में एबल हो जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अगर आप सीख लिए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने सीखा या नहीं सीखा इसको। जो लोग सीख लेंगे जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो पीसीबी ट्यूटोरियल्स में हम लोग लेक्चर 4 के लिए तो इतना ही रखते हैं। ये टेबल अगर आपको याद हो गया तो यकीन मानिए इससे जो है काफी सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव सेक्शंस में पूछे हुए हैं। आप टेस्ट देंगे वहां भी कई जगह पर पूछा जाएगा, तो ये आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो हम लोगों ने आज इस पर काम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह हैं, लास्ट पार्ट आपका होगा, तो वो हम लोग लेक्चर नंबर 5 में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर करिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, किसी का रिकमेंड किया हुआ है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और जो बेल आइकन होता है उसको भी अगर आप दबा देंगे तो सारा जो भी मैं वीडियो यहाँ पे रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहरा दूँ, इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के जो भी पॉसिबल लेक्चर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता रहूँ। और अगर आप में सच में अंदर में जज्बा है कि आपको डॉक्टर बनना है तो मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आपके पूरे सिलेबस के साथ हूँ, पूरे तन मन से लगा हुआ हूँ। तो आप इसका जितना हो सके फायदा उठाइए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, तो जरूर उसको शेयर करें और इन बातों को अच्छी तरह से फॉलो करें, तो अच्छी अच्छा होगा आपके साथ, सबके साथ। ठीक है, तो भलाई की कामना करते हुए यहाँ तक आप सीखें, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।